अपना देख सकी थी ये बिल्डिंग जहाँ हम मौजूद हैं, ये तानसेन कॉम्प्लेक्स है। हम कहा कि हमारे सहयोगी गौर से थोक दिखा मैं कि यह भवन की स्थिति का ही का यह भवन कौनो संस्थान का संचालित करे लायक है या नहीं। उधर सामने फ्रंट मतलब अमैया रोड में होटल संचालित और समझ सके तो होटल में कितने होटल के ही बर्तन है, कॉपी किताब है, दो दो होटल। ये बताइए कब वो हादसा भाग कौनों में के थे ये बिल्डिंग में या तानसेन कॉम्प्लेक्स? ऊपर से पत्थर कांच गिरे थे और वो अपने सामने कोई पड़े होंगे तमाम ऊपर वाले, जब आंधी वोधी आई तो पत्थर गिरे थे, कांच गिरा हुआ था पूरा। का कहें ये जब हवा चले लगा थी ना ये छुरुर छुरुर बालू गिरा थी मसे, एक मतलब मसाला है ये नहीं है, गिरू सकती थी। कब भर मसाला रहे, कई साल की यह तानसेन कॉम्प्लेक्स? चिरोला नाथ स्वामी जी से कि भई ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ ना हो और जल्दी से जल्दी इसका विस्थापन हो। घटना हो का को प्रार्थना करत है का को, आज तक चिरोला नाथ स्वामी से कहीं सोई की घटना हो जाए हम प्रार्थना करी थे, सब यह न कहा थे, मगर अब वह न हम कहें कि चिरोला महादेव वो का तो नीचे लाटा है। बिल्डिंग ही यदि गिरे पाई तो रिवो में फिर से हादसा हो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहा है, कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है जो उन जनजीवन का प्रभावित कह रही है। हाल ही में भय मध्य प्रदेश के रीवा सहित सागर में दुर्घटना लोगन का डेरबादहीन डेरबाबे भर नहीं उनका कहो न कहो व दहशत में डार दिन कि लोग अब घर के इर्द गिर्द से निकले में डेरा थे, लोग घर में रहे में डेराए लागे हैं। लेकिन रीवा में ऐसा दादागिरी चल रही है कि लोगन का न प्रकृति से डर लागे, न व्यवस्था से डर लागे, न जर्जर भवनन से डर लागे, न जिम्मेदारन का इन पर नजर जाए। जी हाँ, हम खड़े हैं रीवा के हृदय स्थल सिरमौर चौराहा में। सिरमौर चौराहा के कबो एक समय रहा शान कही जाए वाली तानसेन कॉम्प्लेक्स अब बेहद जर्जर हो चुका है और जर्जर इतना कि कबो कौनो बड़ा हादसा हो सकत है। लेकिन न कलेक्टर के ध्यान आवे, न एसपी का ध्यान आवे, न यहाँ के नगर निगम का ध्यान आवे और लोग जो ये में दुकान संचालित कह रहे हैं, डॉक्टर जो नापन जो है नर्सिंग होम संचालित कह रहे हैं और साथ साथ में क्लिनिक संचालित कह रहे हैं, उन्हों का नहीं पता कि यदि बिल्डिंग झरझरा के गिरा थी ता सैकड़न लोगन के जान खतरे में आए जी। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के। अपना देख सकी थी ये बिल्डिंग जहाँ हम मौजूद हैं ये तानसेन कॉम्प्लेक्स है। हम कहा कि हमारे सहयोगी गौर से थोक दिखा मैं कि यह भवन की स्थिति का ही का यह भवन कौनो संस्थान का संचालित करे लायक है या नहीं। काहे कि जगह जगह से अपना का मसाला छोड़ बिल्डिंग दिखा लागी, जगह जगह दर्रान ही और चारों तरफ अपना देखी बिल्डिंग के जर्जर अवस्था, चीख चीख के चिल्लाए चिल्लाए की ये बात कही रही है कि हम कबो गिर सकी थे। लेकिन यहाँ के अधिकारी अफसर गहरी नींद में सोए रहे हैं। सागर में का भा, सागर में यह भा जो 8 से 9 बच्चन के देहांत भा, गढ़ कटरा में का भा रीवा जिला के यह भा, वह दीवाल केहू का बतावत नहीं रही कि हम जर्जर हैं। लेकिन जब हादसा भा तो 4 बच्चन के मौत हुई है। तो आखिरकार ये पर कब नजर जी प्रशासन के चली, कुछ लोगन से बात करी थी या खत्म हो चुकी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी तानसेन कॉम्प्लेक्स की या बिल्डिंग जो जौने में लोग अपन दुकान संचालित कह रहे हैं, काफ़ी ऐठे व्यापार हो रहा है। जैसा कि हम कहा कि हमारा सहयोगी जो है आगे हमें दिखा में कि यदि यह कबो गिरत है या परत है तो आखिरकार स्थिति का हुई ऐठे देखी कि कौ में पगड़ा की स्थिति है या जो छज्जा निकला है यह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जगह जगह दरार ही और अपना आगे देख सकी थे कि चारों तरफ जो है यह छज्जा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। का नाम है अपना के? पंकज गुप्ता हमारा नाम है। पंकज जी अपना यह कहाँ संचालित करी थी? मेडिकल दुकान संचालित है अपना, है ना। यह बताइए इतना जर्जर भवन है अपना बच्चन का डर नहीं लागे कहे कि रोज हादसा हो लगाता है? पेशेंट बैठे रहते नीचे तब अब एक दर की कुछ होकर से लकड़ी ऊपर से गिर गई, तब ऐसे छज्जा टाइप के
तो पेशेंट के ऊपर गिर गया तो जाना बच गया जल्दी से हट गए, नहीं तो उनके लग जा चोट। नहीं तो यह बताइए, मान ली बिल्डिंग गिरी तो का फेंके निकल पाई के का बचाए पाऊ अपना? अब का हम मर जा गिरी ता अब यहाँ रहा तब बचा के खा पाऊ। कई साल के हैं अपना? हम 25 साल के। 25 साल के हैं। कब से ये कॉम्प्लेक्स देखा था है ना? जब से पैदाइशी है, मतलब 25 साल से ऊपर के हुई ना। चलिए कुछ उम्र दराज लोगन से अब हम बात करी थे। उम्र दराज हमारे चलिए जे यहाँ अपन अपन प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं, लेकिन लोगन का कोनो मतलब नहीं आए कि केकर जान जाती केकर जान नहीं जाए, और जो में स्थिति है ये वास्तव में चिंतनीय है। क्या नाम है अपना? सुलभ चौबे। चौबे जी ये बताइए कि कई साल के हैं खड़े हुई लीथों का? कई साल के हैं हम? 30 साल। 30 साल के हैं। कब से यह नौकरी कर रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से। ये बताइए कब वो हादसा भा कौन में के थे ये बिल्डिंग में या तानसेन कॉम्प्लेक्स? ऊपर से पत्थर कांच और गिरे थे। हाँ। और वो अपने सामने कोई पड़े होंगे तमाम ऊपर वाले, जब आंधी वोधी आई तो पत्थर गिरते हैं, कांच गिरी आवा तो पूरा। ये बताइए ये जो पूरे कॉम्प्लेक्स बना है जर्जर है कि नहीं है? पूरा जर्जर है। पूरा जर्जर। कब वो हादसा हो सका था कि नहीं? अपने सामने पूरे हर फटा देख ली। हाँ। तो ये बताइए जो यहाँ व्यापार संचालित हो रहा है या अस्पताल चलाए रहे हैं, डॉक्टर चलाए रहे हैं, कई अच्छे मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, लगभग कितने लोग इतने हमेशा मौजूद रहते हो दिन भर कॉम्प्लेक्स? 4 से 5 हज़ार लोग। LIC भी पीछे है। हाँ। 4 से 5 हज़ार लोग आवा तो पीछे चिरायु भी है, सामने चौराहा है यार। हाँ। दिन भर लोग आना जाना है। तो यदि कोनो हादसा हुई तो का हुई? हादसा हुई तो सब इनके सामने आज ही हादसा हुई था। फिर का करिए प्रशासन हो कलेक्टर हो SP? बात अब प्रशासन जाने का करिए कुछ ना करिए। कितने लोग रोज मरत है, मैं कहा कुछ करत है मैं। चलिए तो यह हाल है जो पूरी तरह से बेहाल है, और यह एक खतरे के घंटी है जो बजब शुरू हो चुकी है, लेकिन अधिकारी अफसरन का यह जर्जर भवन नहीं देखा लगा है, जर्जर कॉम्प्लेक्स नहीं देखा लगा है। अपना एक नीचे बैठ के दुकान चलाई थे, डर नहीं लगे कौनो रोज गिर जाए तो का हुई? डर लगे तो का करब, डर लगे तो का करब, मर जाए और का डर लगे तो का करब। नहीं तो ये ठिकाहे या जब देखी लागे कि यह पूरा खराब है, यह कबो गिर सका थे, बारिश हो रही है, अब यह दुकान बंद ही थे ऐसे मनी लगावत है। हाँ। दुकान खुल जाए तो हट जा हट जा। तो दुकान खुली तो कहा वो दुकान काहे बंद कहे? पता नहीं, यह वजह से तो नहीं बंद कहे यहीं कि कहो भरभरा गिर ना जाए। ऐसे नहीं हो जाओ देता नहीं है कोई का किरास। चलिए तो यह का नाम है अपना? चंद्रोण प्रसाद पटेल। ठिका करी थे अपना? मैं दवाई करवाने आया। हाँ? दवा करवाने दवा आया। करवा आया। लिया। ये बताइए बिल्डिंग का बाहर से दिखे कॉम्प्लेक्स का या का लागत है, मजबूत है कि कमजोर? कमजोर। कमजोर है। हादसा हो सका था कि नहीं? वह गढ़ सा है। हाँ? गढ़ सरीख है। हाँ। गढ़ के जैसा दीवाल गिर गए, सागर में दीवाल गिर गए, वहाँ खत्म हो गए, तो मतलब ये एहू के नंबर है? नंबर है। तो शासन प्रशासन का कह रहा है, जिम्मेदार का कह रहे हैं? जिम्मेवार लोग अपने मुकर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना देख रहे हैं। उनसे मतलब नहीं है? मतलब होता तो यहाँ निर्देश देते ना। मतलब लोग मर यही तब फिर सुधी है उनका कि अब यहाँ लाइन लग जाए। हाँ। अधिकारी अफसर मंत्री मुख्यमंत्री सब लाइन लग जाएंगे। हाँ। लाइन लग जाए है ना, मुआवजा दे बहुत हो बस। चलिए निश्चित तौर पर यह चिंता के विषय ऐसे बे हम कह लें कहे कि जो में यह स्थिति है, पेंट पोताए से यदि भवन मजबूत हो जाए तो सब पुतवा लें, वह दीवालों में पेंट पोता हो गढ़ कटरा के तब वह दीवाल गिर जात, सागर में जो 8 से 9 बच्चन के देहांत भा वह यदि दीवाल में पोता हो पेंट तब वह गिर जात, कहे कि वह जर्जर रही, जर्जर दीवाल के अंत गिरवे आए। और निश्चित तौर पर यह जी का कहें बीतिया जब हवा चले लगा थी ना। हाँ। ये छुरुर छुरुर बालू गिरा थी मैं से। हाँ। एकर मतलब मसाला है ये नहीं है, गिरू सका थी। कब भर मसाला रहा है, कई साल की यह तानसेन कॉम्प्लेक्स हुई तब लगभग अंदाज का? लगभग 60 वर्ष करीब हुई, 50-60 वर्ष है ना। हाँ। जब से हम देखें 32 साल से ये बने रहा है ना, तो उससे 10-20 साल चलिए आएगी। नेताजी या तानसेन कॉम्प्लेक्स है कैसा स्थिति में है,
देखिए ये बात सही है, बघेली में बोलब। हाँ बघेली में बोलब। देखिए कहा है, वास्तव में ये रीवा विकास प्राधिकरण ने इसको बनवाया था, काफी लंबा समय हो गया इसका बना हुआ, और कोई भी चीज हो उसका एक समय सीमा होता कि कब तक वो रहेगा, कब तक उसकी गुणवत्ता सही रहेगी। अब चूंकि उस समय की स्थितियों में जब तमाम इंजीनियर्स लोगों ने जब बनाया होगा उसकी गुणवत्ता की जांच की होगी, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि ये जर्जर स्थिति में है और वास्तव में अतिशीघ्र इसको पुनर्घनत्वीकरण या सरकार किसी तरह से इसको तुरंत बनाना चाहिए, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में पहल की है और इसकी साथ प्रशासन को निर्देश मिले हैं और इसकी जांच पड़ताल हुई है, नाप जोक हो चुका है और बहुत जल्दी ये साथ ध्वस्त होने वाला है और एक नया मार्केट यहां बनने की योजना है। ली 3 दिन पानी बरसा लगातार तका हुई। देखिए आपदा आपदा होती है, प्रकृति से खिलवाड़ करना खतरे से खाली नहीं है। जैसा कि अपना अभी कहन कि ये जर्जर है, उप मुख्यमंत्री सब कुछ व्यवस्था के अधीन इंतजाम के अधीन, मान ली ये झरझरा की गिर गई तो फिर का व्यवस्था इंतजाम हुई? निश्चित तौर पे मुझे जो पता चला है कि कल मुख्यमंत्री जी शायद दिल्ली जाते जाते यहाँ के प्रशासन को निर्देश दिए कि यहाँ जितने भी जर्जर भवन हैं उनको तत्काल उनका मूल्यांकन अवलोकन किया जाए और जो जो ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे ऐसा लगता है कि जनहानि हो सकती है वहाँ पे अवलोकन करके और जनता को वहाँ से हटाकर उनको पुनर्वास करें, उनकी व्यवस्था करें और तत्काल ऐसे चीजों पर काम करें। तो बहुत पब्लिक है, एक जने भाई अभी बता रहे हैं कि रोजाना 4,000 से 5,000 जनता यह कॉम्प्लेक्स के अंदर रहा थी और कितनी देर हादसा हो सकता है बताए के हादसा आई ना, तो हम कहते ठीक है अवलोकन कर लीन पुनर्घरत्वीकरण जऊँ जऊँ अपना बताएं दुनियादारी, मगर मान ली ये भरभराए के गिर जाते है, काले गिर जाते है। देखिए ऊपर वाले से बड़ा को नहीं आए। हाँ। फेरो जो नहीं चूल्हा में आ गए वो कहे सनीचर लहटा है, ये बात से हम अपना जर्जर भवन जान ले नहीं अपना मुख्यमंत्री का ताके हैं कि वो अपना के चरुआ पकड़ के कहीं कि चला एक से हटा तब हटा नहीं नहीं हटा या पूरी तरह से जर्जर है, पूरी तरह से डिसमेंटल के स्थिति है। एमा लोग बताइन कि एकर बारू झरा थी, हवा चला थी, दास खिड़की गिरा थी, पत्थरा गिरा थे, लेकिन अपना पचे जबरन जो है एठे जे अपन जान दाव में लगाए के व्यापार कह रहे हैं, जो मरीज आए रहे हैं दवाई ले आए रहे हैं, कोई अस्पताल में भर्ती है, मान ली कौन हादसा तो बताए क्या भाई नहीं गढ़ में यह में उप मुख्यमंत्री जी वह कह रहे हो ही या फिर वह के अधिकारी अफसर यह में कह रहे हुई कि यह न गिरी, फिर कहे गिर के भीती, मान ली तानसेन कॉम्प्लेक्स ऐसे कल गिर जाते है कितने लोगों की जान चली गई। देखिए जैसा लोगों ने बताया कि जो 4000 जनमानस का आना जाना लगातार यहाँ व्यापार और तमाम सुविधाओं के लिए होता है, ये बात सही है कितने लोग आते हैं, लेकिन हादसा का अंदेशा आदमी आकलन पहले से करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ और तत्काल इस पे काम होना चाहिए। हालांकि जैसा मैंने कहा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं बड़े सजग और त्वरित काम करने के लिए निर्देश दिए हैं और बहुत जल्दी ये काम आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बिल्डिंग है ये आपको पृथक मिलेगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ चिरोलानाथ स्वामी जी से कि भई ऐसी कोई घटना हमारे यहाँ ना हो और जल्दी से जल्दी इसका विस्थापन हो। प्रार्थना करते हैं का को आज तक चिरौलानाथ स्वामी से कहीं सोई की घटना हो जाए, हम प्रार्थना करी थे सब यह न कहा थे, मगर अब वह न हम कहें कि चुल्हवा महागा वो काम से नीचे लाटा है। यह बताइए ये थे जर्जर भवन है, एक एक खीतिर सब व्यापारी का इकट्ठा हो के जिम्मेदारन के लगे जाए चाहिए, दुकान के बंद करे चाहिए, कुछ दिना व्यापार ठप्प हो तो लोगन का कम से कम जो जिम्मेदार है उन्हों की आँखें खुली, लेकिन खुले आम ऐठे व्यापारी का जब फर्क नहीं पड़े ना लोगन का फर्क पड़े तो काहे केहू का पेट। देखिए ये बिल्कुल बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये बात सच है कि आज इतना बड़ा व्यापार जहाँ 4,000-5,000 लोगों का आना जाना, स्वास्थ्य सुविधाओं से बड़ा हुआ, दवाइयों की दुकान है, लोग का व्यक्ति का बीमार होता तो जहाँ सुविधाएं मिलती है व्यक्ति बराबर जाने का प्रयास करता है, इससे भी एक विपदा है, ये भी एक परेशानी है, कोई व्यक्ति अस्पताल और कोई जगह धूप में भागना नहीं चाहता या जर्जर स्थिति में जाना नहीं चाहता, लेकिन उसकी परेशानियां हैं, उसकी तकलीफें हैं जिसके कारण वो आता है। मेरा मानना है आपकी बात सही है और प्रशासन को जल्दी इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और तुरंत इस पर निदान करके नया बिल्डिंग बनाना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि इन दुकानदारों को ऐसे पृथक बढ़िया मकान बना करके और दुकानें देना चाहिए और इनको रोजगार देना चाहिए जिससे अपने भरण पोषण करें और सबकी सुविधाओं का ख्याल रखें। चलिए तो जब दुकानदार रही तब ना, जब दुकानदार रही तब ना दुकान चले ही, कौने रोज जो गिरे पावा तो सब चप चप स्वाहा हो जाए ना दुकानदार बची ना जिसे मांग की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि आशा और उम्मीद है कि आप बचा के रखेंगे और जल्दी शासन प्रशासन इस पे ध्यान देगा और ऐसा पुनर्वास नहीं करे जो
जो जहाँ पे है उनको चिन्हित जगह पे सही जगह पे बढ़िया दुकान दे और सब लोग बढ़िया व्यापार करें। जैसा आप ये चाय वाले भाई साहब को बोला, बेचारे क्या करें, यदि ये व्यापार नहीं करते तो खाएंगे कैसे, इनके लिए कोई प्रत्यक्ष रोजगार तो है नहीं। ऐसी स्थिति में जान है तब न जहान है। अरे तो क्या करे, आज ही चली जाएगी, कल तो गिरने वाले परसों गिरेगा, आज ही चली जाएगी भूखों मरने में, तो करे तो करे क्या। चलिए तो कुल मिला के भोजनों के इंतजाम करें और व्यवस्थाओं के इंतजाम करें, यह अपना कह रहे हैं नेता जी। बिल्कुल मेरी मां। लेकिन जौ में स्थिति में यह भवन है वह वास्तव में चीख चीख के चिल्लाए चिल्लाए के यह भवन कह रहा है। बाहरों के दृश्य अपना देख चुके हैं और अंदरों के दृश्य देख चुके हैं, जहां लोगन का समस्या है। ठीक है, कई अच्छे अस्पताल हैं, नर्सिंग होम है, सारी व्यवस्था संचालित है, लेकिन यह जर्जर भवन यह संचालन के अनुमति नहीं दे, ऐसे अनुमति नहीं दे कि यह जौने रोजगिरी तो फिर दवाई ऊपर का हो जी, जौने रोजगिरी व्यापार ऊपर का हो जी, ऐसे थोका एवं मनन करे की आवश्यकता है, चिंतन करे की आवश्यकता है। जिला अधिकारी जे कलेक्टर साहिबा हैं यहाँ के, उन्हों का आवश्यकता है कि वो चिंता करें एक कर। नहीं फिर तबादला हुई सागर में का भा, सागर में लड़कन के मौत भय, एसपी के तबादला हो गया, कलेक्टर के तबादला हो गया, पटवारी के तबादला हो गया, तहसीलदार के तबादला, उसे फर्क का पड़ा। मगर जेके घर के चिराग बुझा है ओके यहाँ कई वक्त के रोटी न बनी, अपना का अंदाजा न हुई, कैसा सेपाल के लड़कन का बहतारी बाप बड़ा कर रहे थे, और लेकिन वह उम्र के हुआ पड़ाव में जब लड़कन के साथ ही हमें घटना होती या केहू के घर वाले के साथ ही हमें घटना होती तो कल्पना करी कि ओकर का हालत होती। एक बड़ा सवाल है, का नाम है अपना के? हमारा नाम राजीव सिंह है। कहाँ से हैं अपना? हम रीवे के हैं। रीवे से हैं, दवाई करावे आए हैं? जी जी। कब से मतलब या अपना प्रॉपर रीवे के हैं? नहीं नहीं, हमारा गांव बरौ है जी जी जी, मैं यही रीवा में रहता हूँ जी। यह बताइए तानसेन कॉम्प्लेक्स जो है जी जी, अपना हालत दिख रहे हैं कि बाहरों से दिखे हो अंदरों से दिखे हो काफी जर्जर अवस्था में है जी जी जी, लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, हादसा के इंतजार। ये अपने भोपाल में रहते हैं, यहाँ क्यों ध्यान देंगे, वो उनकी कमी है, उनको देखना चाहिए, रीवा का विकास करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनको देखना चाहिए, लेकिन वो भोपाल में है, नेता लोग ध्यान देते नहीं है। अब ये बताइए भाई, हाल ही में सागर महोत्सव अपनो पढ़े हो बाज के अखबार, बीते दिन गढ़ महोत्सव जी जी जी, यह जर्जर बिल्डिंग ही यदि गिरे पाई तो रीवो में फिर से हादसा हो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता। कलेक्टर ध्यान नहीं दे रहे, नहीं दे रहा है, कोई शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, जर्जर जैसे भूमि है अपना मकान वो गिर भी सकता है, किसी समय भी गिर सकता है, हादसा हो सकता है। चलिए तो अपना कह रहे हैं कि हादसा के संभावना लगातार बनी है, और यह हादसा केहू से पूछ के नहीं आवे ना केहू से बताए के आवे, हम खड़े हैं, यह इतना जर्जर भवन है कि अब गिर सकत, और यदि आपदा आवत थी तो बताए कि नहीं आवे, ऐसे वह आपदा माँ यह सोचे की आवश्यकता है और सीख ले के आवश्यकता है शासन प्रशासन का कि तत्काल में कौनो बड़ी से बड़ी कार्यवाही करें, दुकानन का नेत्र स्थापित करें और या डिसमेंटल करके एक नया कॉम्प्लेक्स बनावा जाए इसका थे, नहीं तो कौनो दिन एक बड़ा हादसा हुई और फिर मुख्यमंत्री हुए ही, प्रधानमंत्री हुए ही, राष्ट्रपति हुए ही, सब आई ही, लेकिन फिर कहा थे ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत, तो वह हाल है, वह हाल पूरी तरह से बेहाल, तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से, महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा, संपर्क कर सके थे 8821004016 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से